अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुक्सित अजीज़ एंड आई वेलकम यू टू गौहर पब्लिशर्स। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट्स एंड द टॉपिक वुड बी एक्सरसाइज 5.5। जी तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.5 की तरफ। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए कुछ पिछले टॉपिक भी हम कवर करेंगे जिसमें हम कन्वर्जेंस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 में, मैच द कॉलम्स। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सेकेंड्स, मिनट्स, आवर और 24 आवर फॉर्मेट में यहाँ पे कहाँ पे किसके साथ फिट होता है। तो 60 सेकेंड्स कितने होते हैं, 60 सेकेंड इक्वल होते हैं 1 मिनट के, 60 मिनट कितने किसके इक्वल होते हैं 1 आवर के, 24 आवर्स किसके इक्वल होते हैं 1 डे के, और 24 आवर फॉर्मेट में हम इस तरह टाइम को शो करते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखी जाए कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट। ये आपको 12 आवर में दिए हैं, इसमें एएम पीएम आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने 24 आवर्स में लिखना है। तो 9 एएम जब एएम आता है तो टाइम एज इट इज़ ही रह जाता है, तो ये 0900 शो होगा। जब पीएम आता है हमारे पास तो हम जो भी ये नंबर होता है इसमें 12 ऐड कर देते हैं, तो 1 पीएम इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 13 और अगले ज़ीरोस वैसे ही रहेंगे। तो पहले डिजिट के साथ जब पीएम होगा तो पहले जो डिजिट है उसमें 12 आप ऐड कर देंगे। तो 9 पीएम को आप लिखेंगे 9 पीएम 9 प्लस 12 21 और ज़ीरोस वैसे ही आ गए। अगर ज़ीरोस के अलावा कुछ और हो जैसे 15 है इधर तो आप वो भी 15 भी लिख सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3, रीनेम द मिनट्स एज आवर्स एंड आवर्स एज मिनट्स। जो मिनट्स में हैं वो आपने आवर्स में बताने हैं और मिनट्स में बताने हैं, मिनट्स को आवर और मिनट दोनों में आपने तोड़ के बताना है। 375 मिनट्स हैं आपके पास, 375 मिनट्स हैं, इसको आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट से आवर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 375 को 60 से हम डिवाइड करेंगे, 60 को जब हम 6 करेंगे तो आएगा आंसर 360, बचेंगे 15। अब जो ऊपर आंसर आया है ये आपके पास है आवर्स, और जो नीचे रिमाइंडर आया है वो आपके पास है मिनट्स। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो ऊपर वाला आंसर आपके पास सिर्फ आवर्स में आ जाएगा। इसी तरह 625 को करेंगे तो इसको भी आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आवर्स और मिनट्स में आंसर आ जाएगा। और जैसे ये 2 आवर्स 50 मिनट्स आपके पास दिए गए हैं तो इसको आपने मिनट्स में चेंज करना हो तो मिनट्स तो एज इट इज़ आपके पास रहेंगे, आवर्स को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आवर से मिनट में जाने के लिए, बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और उस कन्वर्जन वैल्यू से। तो ये 120 प्लस 50 गिव्स यू 170 मिनट्स। ऊपर वालों को हमने इस फॉर्मेट में लिखा और इसको हमने ऊपर वालों की तरह फॉर्मेट में लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डेट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। एक ये डेट लिखी हुई है, इसको आपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखना है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास डेट लिखने के 6 डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उन्हीं फॉर्मेट्स को आपने यहाँ पर
कॉपी कर लेना है। एक फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, बाकी पांच आपने ऊपर से देखकर लिख लेने हैं। जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही आपने लिख लेने हैं। अगस्त आपके पास जो है वो मंथ है, 22nd डेट है और 2023 ये ईयर है। तो एज इट इज़ आपने इनको अगस्त में इसमें कन्वर्ट करके ऐसे आपने लिख लेना है और इसको वेरीफाई कर लेना है आपने कीज के आंसर से। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।